दर्द रहता है, 10-12 दिन 15 दिन ज्यादा वो भी किसी खास मूवमेंट में होता है, लेकिन उसके बाद उससे प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ 2-3 महीने तक कभी कभार इधर चुभन हुई, इधर खिंचाव हुआ, और वो भी अगर उनकी रिहेबिलिटेशन अच्छी हो रही हो तो आमतौर पर उसको हम ओवरकम कर लेते। तीसरा उनके जो होता है कि हम फिजिकली फिट होंगे, क्या हम कभी दफ्तर जा पाएंगे, क्या हम कभी गाड़ी चला सकेंगे, कभी मोटरसाइकिल चला सकेंगे, कभी बस का सफर कर सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे, हमें तो बाल बच्चे पाल रहे हैं, खातून है उसको पता है मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे मुझे उनको भी ब्रॉट अप करने। सो ये एक मिथ है, ये एक लोगों के जहन में खौफ है और एक ख्याल है जिसके लिए उनको बताने की जरूरत है। आप देख चुके हैं अपने दाएं बाएं बहुत से मरीजों को कि ये मरीज आमतौर पे 1.5 महीने के बाद आसानी से दफ्तर जा सकते हैं। वो शख्स जिसने कि मोटरसाइकिल चलानी है या जो मजदूर जिसने 2 महीने की बोरी उठानी है वो भी बाईपास करवाता है, वो जाके अपना दोबारा से काम तकरीबन 2 से 2.25 महीने में करना शुरू कर सकता है। सो वो चीज ऐसी नहीं है कि ये हमेशा के लिए मरीज बनेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आम बाईपास मरीज की, जिसके दिल में डैमेज ठीक है, जिसके वेल्स ठीक है, जिसकी बाकी चीजें ठीक है, हम उस तरफ आएंगे। वो कौन सा ग्रुप है जिसको कि हमें कुछ लिमिटेड एक्टिविटी की इजाजत। तीसरा कंसर्न जो होता है वो होता है कि हमें खाने में क्या पाबंदी करनी है। ये पाकिस्तानियों की सबसे मुश्किल जो सूरत हाल है वो ये है। यहाँ पे हमें 2 एक्सट्रीम ग्रुप मिलते हैं। एक वो है जो कहते हैं जी मैंने तो कसम खाई, आप यकीन मानिए मैंने पिछले 2 साल से बड़ा गोश्त नहीं चखा, मुझे 1 साल हो गया मैंने कभी अंडा नहीं खाया। आखिर में टॉप होने का एक फायदा ये होता है कि मेरा बहुत सा काम मेरे कलीग्स ने कर दिया और उन्होंने बहुत सी बातें हमें बता दी। लेकिन हम ये बहुत कॉमनली मरीज देखते हैं जो कि इस बात पे तुल जाते हैं कि ना हमने दूध पीना है, ना दही खाना है, ना हमने गोश्त खाना है, ना अंडा खाना है। आप कुछ तो सोचिए की जगह रखते, अगर मैं आपको कहूँ और मिर्च नमक मिर्च बंद कर देनी है, तो अगर आपको रोज पीने उबाल उबाल के दिए जाए तो 6 महीने के बाद आप कहेंगे मैं वैसे ही बहुत खुशी कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा। हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं, हमें वैरायटी चाहिए, हमें टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना है, हमें तरह तरह की चीजें खानी है। और यही रास है कि हर चीज में कुछ ना कुछ गजाई अहमियत होती है, कुछ ना कुछ उनके गजाई पहलू ऐसे हैं जो कि शायद किसी दूसरी चीज में नहीं मिलते। सो हमें फुल स्पेक्ट्रम खुराक खानी है जो एक हेल्दी इंसान के लिए जरूरत होती है। उसमें किसी को भी अगर हम आप लोग माशाल्लाह मेडिकल स्टोर्स बहुत से हैं, बड़ा आसान है, गूगल पे जाइए, ये गूगल चचा जो है ये, या कुछ लोग कहते हैं गूगल भुप्पी, ये हर चीज का इलाज आपको बताते हैं, उल्टा हो या सीधा हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो या ना हो लेकिन बता देते हैं। यहाँ से आप बहुत सी फायदेमंद चीजें भी एक्सप्लोर करके बहुत सी गाइडलाइंस हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोटी मोटी बातें करूं कि वाइट मीट अगर कोई शख्स रोज भी खाना चाहे तो खाए, कोई मसला नहीं, वो की जरूरत नहीं है उसे, लेकिन उसको फ्राई करके मत खाए। हमसे गलती क्या होती है कि हम मछली बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि उसको फ्राई करके खाते हैं, आमतौर पर बाजारी को बनास्पति घी में जो सबसे सबसे बुरी तरीन चीज हो सकती है।
जब हम मुर्गी की बात करते हैं, मुर्गी खा लो, हम तो रोज मुर्गी खाते हैं और उसकी कढ़ाई बना के खा रहे होते हैं जो कि बेसिकली फ्राइड है। जो असल हकीकत है वो ये है कि आप उसको मरीज से कहें कि भाई शोरबे वाला सालन बना, जो हमारा हम रोटी सालन वाले लोग हैं ना, हम बॉयल्ड चीजें या बेक चीजें या नहीं खा सकते, तो शोरबे वाला सालन या कोई मिर्च मसाला जो नॉर्मल डलता है वो डालें, उसका कोई परहेज नहीं, लेकिन रेगुलर खाते रहो, ट्राई ना करो। फिर उसके बाद अगर मटन खाना है तो ये गाइडलाइन में है कि आप 10 दिन में एक दफा अगर आपने मटन खा लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी तरह बीफ खाना हो तो 20 दिन में अगर एक दफा आपने बीफ खा लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका में जब गाइडलाइन बनती है तो उनका इतना बड़ा स्टेक होता है तो वो उसके हिसाब से सोच के बनाते हैं। अरे हम छोटी छोटी बोटियां होती हैं, लोग वो कबाब कोफ्ता खाते हैं, उसमें भी आधी से ज्यादा उसमें पता नहीं क्या कचरा मिला होता है, क्या नहीं होता, गोश्त तो बहुत कम होता है। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत खा लिया तो नुकसान नहीं। फिर एक चीज जो मुत्तफिक का तौर पे आपके सारे मरीज आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नहीं पता मेरा जख्म ताजा है, जख्म में मैंने अगर दूध पिया या चावल खाए या केला खाया तो वो पीत बन के पस बन के उस जख्म में से निकलेगा। सो वो उनको क्लियरली बताने की जरूरत है कि ऐसी कोई बात नहीं, वरना तो किसी छोटे बच्चे का जो दूध पीता बच्चा है उसका तो कोई जख्म ठीक होगा ही नहीं, वो तो फिर तो पीना ही दूर है। एक तो ये ग्रुप हो रहे हैं। दूसरा ग्रुप तो है जो कि कहते हैं हाँ जी अब हम बाईपास करवा चुके, पुट इट इन जनरल पब्लिक टर्म, कि अब हमारा दिल जो है 0 मीटर गाड़ी की तरह हो गया, अब हम जो मर्जी खाएं, और वो अगले दिन जाएंगे और जाके फास्ट फूड भी खा रहे होंगे, जाके वो किस्म की कढ़ाई और निहारियां और हर चीज पराठे भी खा रहे होंगे, तो हमारा दिल अब ठीक हो गया। नहीं, हमने बीमारी को नहीं ट्रीट किया, बीमारी थी एथरोस्क्लेरोसिस, उस बीमारी की वजह से नालियां बंद हुई, हमने उस नाली की बंदिश तो खोल दी बाईपास के बाद, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल की ना तो वैल्यू हमने कम की उस ऑपरेशन से, ना ही हमने उस कोलेस्ट्रॉल जमने के प्रोसेस को कम किया। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो कुदरती नालियां तो फिर 50 साल चल गई, ये हमारी बनी हुई नालियां तो शायद शायद 10-12 साल में बंद हो, और यही वजह है कि जिसकी वजह से लोगों का बाईपास के बाद उनको बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, फिर से बाईपास किया, एंजियोप्लास्टी की से बाईपास हो गया, तो इनको ये बताने की जरूरत है। So, इसके लिए हमने एक दरमियानी रास्ता डाइट के लिए रखा है जिसको कि हम ना तो डाइटिंग कहते हैं ना ओवर ईटिंग कहते हैं, हम इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। जनरल टर्म है कि इतदाल की जिंदगी गुजारिए, सब खाइए, हर चीज खाइए, इतदाल से खाइए, जो चीज ज्यादा नुकसानदेह है उसको कम मिकदार में खाएं, महीने में 2 महीने में एक दफा, आपने कहा कि चलिए आज हमें कचरा खाने की या जंक फूड खाने का दिल चाह रहा है, चले जाइए जाके खा लीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन रोज रोज मत पूछ। तीसरी चीज और आखिरी जो इन लोगों को बताने की जरूरत है, जैसे मैंने शुरू में कहा था इसको ट्रीट नहीं किया, हमने सिर्फ उस नाली को खोला है जो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से बंद हुई है। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी की बड़ी जरूरत है। अब
कोई भी शख्स, पहले भी एक पॉइंट हाईलाइट हो चुका है, कोई भी शख्स खुशी से जिसको फिजिकल एक्टिविटी की 50 या 60 साल आदत नहीं थी, उसको कन्विंस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल। वो छोड़ते क्या कर रहे हैं? अब उसका हल क्या? नहीं उसका हल ये है, पहला तो वो सवाल आपको ही जवाब देंगे, जनाब हम बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम तो सारा दिन चलते रहते हैं। खवातीन के हम तो सारा दिन घर में चलते फिरते हैं, बच्चों का काम करते हैं, खाना पकाना करते हैं। इनको बताने की जरूरत है कि एक्टिव फिजिकल लाइफ में, और जो हम आपको कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, दोनों में फर्क। एक्टिव लाइफ होना एक रिस्क है, और एक्सरसाइज जिसमें कि आपको थोड़ी सी सांस फूले, थोड़ा सा दिल की धड़कन तेज हो, वो होना दो मुख्य चीज है। आमतौर पर इसके लिए कहा जाता है कि 50 मिनट अगर आपने डेली वॉक कर ली तो ब्रिस्क हो, तो वो आपका मसला हल कर देगा। पहले दिन कोई भी नहीं कर पाएगा, उनको कहेंगे 5 मिनट से शुरू करें, 6 मिनट से शुरू करें, लेकिन इसको बढ़ाते जाइए और 3 माह में इंशाल्लाह उसको 50 मिनट कर देंगे। उनको तरीका बताइए, उनको ये बताइए कि मिसाल के तौर पर हर आदमी के अपने हालात हैं। मेरे पास एक अम्मा आती हैं, उनका मैंने बाईपास किया, बूढ़ी औरत हैं, उन्होंने कहा जी पर्दे की वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं घर में 3 कमरे हैं और उन 3 फ्लैट्स में मैं पंखे चला लेती हूँ, फजर के बाद मुझे 14-15 तस्बीहात पढ़नी होती हैं, मैं तस्बीहात शुरू करती हूँ, साथ वॉक शुरू कर देती हूँ, और वॉक खत्म करके मैं इशराक का वक्त हो जाता है, इशराक पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं उठती हूँ। तो आपकी इस वॉक की वजह से हदीस में है कि एक उम्रे और एक हज का सवाब मिलेगा फजर से इशराक तक इबादत करने का, तो मैं रोज का एक उम्रे का सवाब भी ले रही हूँ। सो हर आदमी अपने हिसाब से उन चीजों को तो लेगा, हर हिसाब से करेगा। एक दफ्तर में जाने वाला शख्स जो कि कहता है जी मैं किस वक्त में 6 बजे तक चला जाता हूँ, उसको कहें जब 5 बजे या 4 बजे तुम घर आ रहे हो तो अपनी बस पे 2 स्टॉप पीछे उतर जाओ, और वो वक्त फासला पैदल चल के तय कर लो, वॉक हो जाएगी तुम्हारी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक, विच इज मोर देन। सो ये वो चीजें हैं जिनको बताने की जरूरत है। अब मैंने ये तो बात कर दी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको के आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली, खाना पीना भी मैंने कर दिया, उनकी एक्टिविटी भी कर ली, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बाईपास से या एंजियोप्लास्टी से ठीक होने नहीं जा रहे हैं। साथ में शुगर का मरीज रहे, मोटापे का मरीज मोटापे का मरीज रहे, हाइपरटेंशन का मरीज हाइपरटेंशन, उसे कहें कि दवाएं रेगुलर इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना खाना जरूरी है, बिकॉज आर्टिफिशियल कॉन्डुई जो लगे हुए हैं, वेन स्टेनलेस वेन जो लगी है, ये बड़ी तेजी से बंद होती है अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहे, अगर पेशेंट का शुगर अनकंट्रोल्ड है। सो उन चीजों की एहतियात बहुत अहम है। और आखिर में छोटा सा ग्रुप पेशेंट का वो है जिनको बाईपास से पहले हार्ट में कुछ डैमेज हो गया, हार्ट का पंप कमजोर पड़ गया, या हार्ट का कोई वेल्व है जो कि लीक करने लगा, या हार्ट का कोई हिस्सा है जिसको हम एनोरिज्म कहते हैं कि वो गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल जाता है और वो हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता कॉन्ट्रैक्शन, ये वो लोग हैं जिनको मुकाबलतन दवाएं ज्यादा चाहिए होती हैं, और उनको फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल की नहीं कह सकते कि आप साइकिल भी चलाएं, उसके लिए फिर वो डॉक्टर की रहनुमाई है। हर मरीज की वो देखता है कि शिद्दत कितनी है,
उसके फिटनेस लेवल कितना है और उसके मुताबिक फिर उनको बताता है कि आपने किस लेवल की आपने एक्टिविटी करनी है। थैंक यू।